हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए मैं लेके आया हूँ एमपीपीएससी टीएटी की ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया ऑन बैंक ऑफ रिवर, कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं भारत के जो अलग अलग नदियों के किनारे लोकेटेड है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और कई बार आप उन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते हो। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये वीडियो मैंने आपको बनाया, जहां पर इम्पॉर्टेंट सिटीज और वो सिटीज किन नदियों के किनारे है, इसके बारे में हम लोग आपको बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ से, स्पेशली नदन रीजन से आपको बात करते हैं। झेलम रिवर जो है, झेलम नदी के किनारे जो इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है श्रीनगर। बहुत ही सुंदर शहर है, जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसका एक तरह से कैपिटल आप यहाँ पे बोल सकते हैं। बहुत सुंदर शहर है झेलम। अगला जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो इम्पोर्टेंट सिटी है, वो इम्पोर्टेंट रिवर है इंडस। और इंडस नदी के किनारे अगर आप देखेंगे तो लेह जो सिटी है, जो लद्दाख का पार्ट आपको है, तो इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। लेह बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ओके, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है रावी। और रावी नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट सिटी आपको मिलेगी वो है चंबा, और ये लोकेटेड है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर हमारे पास ब्यास नदी है। ब्यास नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर, इंपॉर्टेंट सिटी है, उस सिटी का नाम है मंडी। तो हिमाचल प्रदेश में ये सिटी आपको पड़ता है और एक तरीके से मनाली के रूट पे आपको रास्ता है। अगला इंपॉर्टेंट सिटी है वो है, इंपॉर्टेंट रिवर है सतलज रिवर। वो सतलज रिवर के किनारे है आपका नैना देवी, और नैना देवी के साथ में आपके पंजाब का फिरोजपुर शहर। तो नैना देवी और फिरोजपुर दोनों सतलज नदी के किनारे है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है हिंडन रिवर, और हिंडन रिवर के किनारे सबसे महत्वपूर्ण शहर आपको मिलेगा गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में आपको लोकेटेड है। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है वो है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी जो है इसके किनारे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट सिटी मिलेगी, उसका नाम था बद्रीनाथ, क्योंकि वहीं से पूरा गंगा इमर्ज आपको होती है, और उधर से अलकनंदा के किनारे आपका बद्रीनाथ है जो आगे जाके मर्ज हो जाता है। अगली जो रिवर है उसका नाम है भागीरथी रिवर, जो एक तरह से गंगा की प्रेडेसेसर रिवर आप बोल सकते हैं, और इसके किनारे लोकेटेड है उत्तरकाशी नाम का शहर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में आपको एक है। उसके बाद भागीरथी और भील गंगा दोनों रिवर का जहां पर आपको कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां पर एक शहर है टहरी, और टहरी के किनारे टहरी हाइड्रो पावर, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट है भारत का, टहरी प्रोजेक्ट। अगली इंपॉर्टेंट रिवर है वो है भागीरथी और अलकनंदा। दोनों नदियां जहां पर आपको मिलती हैं उस शहर को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम का एक बड़ा सा शहर है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आपको मिलती हैं। अगली इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है वो है मंदाकिनी, और मंदाकिनी से रास्ता आपको अलकनंदा। तो जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा आपको मिलती हैं उस किनारे पे बना है रुद्रप्रयाग नाम का शहर, तो पंचप्रयाग जो है, पंचप्रयाग में से आपको एक है। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो इंपॉर्टेंट सिटी है पिंडार, और रिवर जो है पिंडार और अलकनंदा दोनों रिवर जहां पर आपको मिलती है, तो यहां पर बनता है कर्णप्रयाग। एक्चुअली ये रिवर मर्जर के लिए नहीं है, ये सिर्फ इन दोनों के नदियों के किनारे पर कर्णप्रयाग जैसा जो सिटी है वो सिटी आपको बना है। उसके बाद धौली गंगा और अलकनंदा, ये दोनों नदियां जहां पर आपको कॉन्फ्लुएंस होती है, और उस जगह पे आपको बना है विष्णुप्रयाग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ओके ऑफ द उत्तराखंड। उसके बाद आ जाते हैं रामगंगा। रामगंगा नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर है वो है आपका मुरादाबाद, और मुरादाबाद के बाद आपका बरेली, ये दोनों शहर है आपके उत्तर प्रदेश में आपको लोकेटेड है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर है घाघरा रिवर, और घाघरा नदी के किनारे इंपॉर्टेंट जो सिटी बना हुआ है, एंड द सिटी इज कॉल्ड द फैजाबाद, है ना, ये भी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है घाघरा रिवर के किनारे। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है गोमती रिवर, और गोमती रिवर के किनारे गैस कीजिए, इसके किनारे है आपका लखनऊ, और लखनऊ के साथ यहाँ पर आपका जौनपुर। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है SSC और बाकी एग्जाम्स में हमेशा आपको पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम रिवर है वो रिवर है राप्ती रिवर, और राप्ती नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी इस्टेब्लिश है उस सिटी का नाम है श्रावस्ती, और श्रावस्ती के साथ में आपका गोरखपुर, जहां से हमारे योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर सिटी से आपको आते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी बना हुआ, इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है सरयू रिवर, एंड गैस कीजिए सरयू सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है। यस, यू आर राइट। अयोध्या जो है, अयोध्या इसके किनारे आपको लोकेटेड है, जहां से भगवान राम जो है वो 14 साल के वनवास के लिए आपको गए थे। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो इंपॉर्टेंट रिवर है, इट्स कॉल्ड द गंगा रिवर, और गंगा के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज आपको बने हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, बक्सर, बलिया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये तमाम शहर हैं लोकेटेड हैं आपके गंगा नदी के किनारे। अगली इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो इंपॉर्टेंट रिवर है, उसका नाम है हसदो, और हसदो रिवर के किनारे जो इंपॉर्टेंट बहुत शानदार आपको सिटी बनी हुई है, उस सिटी का नाम है
कोरबा, तो कोरबा इज द इम्पॉर्टेंट सिटी जो अपने स्टील प्लांट और इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल टाउन है उन इंडस्ट्रियल टाउन्स के लिए भी आपको जानी जाती है। अगली रिवर है गंगा और यमुना, जहां पर गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस होता है और उस कॉन्फ्लुएंस पे है इम्पॉर्टेंट सिटी अलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से आज के टाइम जानते हैं। खैर प्रयागराज ही बोलना चाहिए क्योंकि नाम आपको चेंज हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट सिटी है, इंपॉर्टेंट रिवर है, बार बार सिटी बोल रहा हूँ मैं, वो है यमुना। और जो यमुना रिवर है इसके किनारे कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, मथुरा, आगरा, तीन इंपॉर्टेंट सिटीज। दिल्ली जहाँ पे स्पेशली जो रेड फोर्ट उसके किनारे है, आगरा, उसके अलावा अगर आप आगरा चले जाएं तो आगरा में ताजमहल उसके किनारे है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर वो है चंबल रिवर, और चंबल रिवर जो है ये हमारे मध्यप्रदेश से बहती है और इसके किनारे लोकेटेड है कोटा, और कोटा के साथ में रावतभाटा। तो दो इंपॉर्टेंट शहर जो है ये चंबल के किनारे आपको मिल जाएंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर सिस्टम आपको है शिप्रा, और शिप्रा नदी के किनारे आपको मिल जाएगा आपको जो उज्जैन शहर है, तो उज्जैन शहर लोकेटेड है आपके शिप्रा नदी के किनारे। अगली जो इंपॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश में भारत के अंदर, तो अगला इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो रिवर है आपका बेतवा रिवर, और बेतवा रिवर के किनारे दो तीन इंपॉर्टेंट सिटी, जैसे एग्जांपल के लिए सांची इसके किनारे आपको मिल जाएगा, विदिशा इसके किनारे आपको मिल जाएगा, इवन ओरछा जो है ओरछा भी इसके किनारे आपको मिल जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है फाल्गु रिवर, और फाल्गु रिवर के किनारे लोकेटेड है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड द गया, जहाँ पर स्पेशली भगवान जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान प्राप्ति आपको हुई थी, और बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पर उनका स्तूपा है, स्तूपा भी बना हुआ है, और हिंदू धर्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। फाल्गु नदी के किनारे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं भाई साहब कि फाल्गु नदी के किनारे या गया कौन से शहर के किनारे, कौन से नदी के किनारे है, अगली इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी गंडक रिवर, और गंडक रिवर के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी आपको लोकेटेड है उसका नाम है हाजीपुर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है उत्तर प्रदेश की। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है उस रिवर का नाम है हुगली, और हुगली रिवर के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी, इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है वो शहर है, आप नोट कर लीजिए उसको, यह है कोलकाता, और कोलकाता के अलावा आपका हावड़ा सिटी, और आगे जाके इस रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिवराइन पोर्ट या नदी पोर्ट जो है, नदी पोर्ट आपको लोकेटेड है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो रिवर है आपकी बराकर रिवर, और बराकर रिवर के किनारे इंपॉर्टेंट जो सिटी है वो सिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उस सिटी का नाम है आपका इट्स कॉल्ड द तिलैया, और तिलैया के अलावा मैठन। तो दो इंपॉर्टेंट जो डैम है, तिलैया और मैठन करके दो इंपॉर्टेंट डैम है, विच इज द डैम ऑफ, आप बोल सकते हैं कि जो बराकर रिवर है ये बेसिकली आपकी जो दामोदर रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और उसकी ये दो इंपॉर्टेंट जो डैम है वो डॉम इसके किनारे बने हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है दामोदर, और दामोदर नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट जो सिटी है वो सिटी है आपका पंचेट, और पंचेट के बाद आपको सिंदरी। तो पंचेट में भी एक इंपॉर्टेंट डैम बना है, जो पूरा दामोदर वैली सिस्टम है, दामोदर रिवर वैली सिस्टम, उसके किनारे दोनों तीनों इंपॉर्टेंट आपको सिटीज हैं, और उन सिटीज के नाम से डैम भी है। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है उस रिवर का नाम है सुबर्णरेखा, और सुबर्णरेखा के साथ में आपका खारकई रिवर, और इन दोनों नदियों का जहां पर कॉन्फ्लुएंस होता है, इनके कॉन्फ्लुएंस पर लोकेटेड है जमशेदपुर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर, और आपका खारकई के किनारे। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में जब एंटर करती है और उसके किनारे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सिटी बनती है वो है आपका डिब्रूगढ़, मजुली, मजुली में स्पेशली रिवर आइलैंड आपको बनता है, गुवाहाटी, और गुवाहाटी के बाद ये दो तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये इसके किनारे हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है उस रिवर का नाम है, आजा भाई, हाँ, रिवर का नाम है धालेश्वरी रिवर, और धालेश्वरी रिवर जो है इसके किनारे जो इंपॉर्टेंट जो सिटी है, सिटी बनी हुई है, उसका नाम था आइजोल, है ना, आपको बताइए कमेंट सेक्शन में आइजोल कहाँ पर आपको लोकेटेड, धालेश्वरी नदी के किनारे आपको मिल जाएगा आइजोल। उसके बाद आ जाते हैं आपका महानदी, और महानदी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, और महानदी के किनारे कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड हैं, जैसे कटक हो गया, संबलपुर हो गया, रायसेन, रायपुर के पास से रिवर आपको निकलती है। अगला जो इंपॉर्टेंट सिटी है वो है साबरमती, और साबरमती नदी जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशली वेस्ट फ्लोइंग रिवर में से आपको एक है, और इस नदी के किनारे बना है गांधीनगर, और गांधीनगर के अलावा अहमदाबाद, तो दो इंपॉर्टेंट सिटी जो है वो साबरमती के किनारे है। उसके बाद आ जाइए नर्मदा, नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश से बहती, कई सारी इंपॉर्टेंट सिटी है मध्य प्रदेश की, गुजरात की, वो लोकेटेड है आपके नर्मदा के किनारे, जैसे एग्जांपल के लिए जबलपुर है, नर्मदापुरम है, या आपका जो भरूच है, भरूच भी इसके किनारे आपको लोकेटेड है जो गुजरात में है। अगली रिवर है तापी रिवर, या जिसको हम लोग ताप्ती रिवर के नाम से यहाँ पर आपको जानते हैं, और ताप्ती रिवर जो है
ये आपके सूरत जो है, सूरत इसके किनारे है और यहीं से फिर आगे जाके ये आपके बे ऑफ कैम्बे के अंदर आपको मर्ज हो जाती है। बड़े इंपॉर्टेंट जो मैदानी भाग बनाए जाते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी आपको मिलेगी, इट्स कॉल्ड द नासिक, और नासिक के अलावा नांदेड़, दोनों लोकेटेड है आपके महाराष्ट्र के अंदर। अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर आपको मिलेगी उस रिवर का नाम है भीमा रिवर, और भीमा रिवर के किनारे जो इम्पोर्टेंट सिटी आपको मिलेगी एंड द सिटी जो भीमा नदी के किनारे है उस सिटी का नाम है पंडरपुर, जो महाराष्ट्र के अंदर आपको लोकेटेड है। उसके अलावा अगला रिवर सिस्टम हम अगर देखें तो अगला रिवर है मूसी रिवर, और मूसी रिवर के किनारे लोकेटेड है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी हैदराबाद। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है मूसी रिवर के किनारे कौन सा शहर है। अगला रिवर हम देखते हैं, अगली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो इम्पोर्टेंट रिवर है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट सिटी है, इम्पोर्टेंट सिटी बनी हुई है, और उस सिटी का नाम है कर्नूल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी है। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के नीचे के किनारे आपका कर्नूल सिटी। उसके बाद आप देखिए पेन्नार रिवर, पेन्नार रिवर के नीचे के किनारे पर जो इम्पोर्टेंट रिवर आपको मिल जाएगी एंड पेन्नार नदी के किनारे आपको मिलेगा नेल्लोर शहर। याद रखिएगा, पेन्नार के किनारे आपको नेल्लोर शहर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, इंडस्ट्रियल टाउन भी आपको है। उसके बाद अगली रिवर है उसका नाम है मांडोवी, और मांडोवी रिवर के किनारे आपको मिलेगा पणजी, गोवा का जो कैपिटल है पणजी। और बेसिकली अगर देखा जाए तो पणजी एकदम समुद्र के किनारे, लेकिन जहां पर वो समुद्र से रिवर आपको मिलती है उसी किनारे पे आपका पणजी सिटी आपको लोकेटेड है। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर है कालिंदी रिवर, और कालिंदी इट्स कॉल्ड द काली नदी रिवर। तो कालिंदी रिवर जो है, कालिंदी रिवर के किनारे जो इंपॉर्टेंट सिटी आपको मिलेगी उसका नाम है करवार। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी, उस रिवर का नाम है कावेरी, और कावेरी के किनारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज आपको बनी इस रिवर को, कावेरी रिवर को पन्नार के नाम से भी जाना जाता है, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मैतूर, इरोड, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर, ये तमाम सिटीज लोकेटेड है आपके कावेरी नदी, कावेरी रिवर के किनारे। अगला जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है उसका नाम है वेगई रिवर सिस्टम, और वेगई रिवर सिस्टम जो है, वेगई रिवर के किनारे दो इंपॉर्टेंट जो सिटी आपको मिलेगी वो है आपका मदुरई, और मदुरई के साथ में आपका रामनाथपुरम। तो वेगई के किनारे है मदुरई और रामनाथपुरम, दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज आपको लोकेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई, और उन रिवर के किनारे इंपॉर्टेंट सिटीज आपको हो गई। आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये माइंड मैप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप इस टॉपिक को फिर से एक बार प्रॉपरली तरह से आपको रिवाइज कर सके। साथ ही अन अकेडमी के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अन अकेडमी का एमपी टेट वर्ग एक, उसके लिए तमाम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, तमाम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं वो कोर्सेज ऑलरेडी कोर्सेज आपको स्टार्ट हो चुके हैं, और उन कोर्सेज को आप अभी जाके आपको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके लिए सिंपली आपको जो मेरा कोड है पवन लाइव, इस पवन लाइव कोड का यूज़ करना है। साथ ही जीत की रणनीति करके एक बैच है, ये पुलिस और कॉन्स्टेबल के लिए है, जिद करके एक सीरीज है 30 डे का रिविजन बैच, जेल प्रहरी और वन रक्षक के लिए एक इंपॉर्टेंट बैच है, एमपी जीके के लिए एक कंप्लीट कोर्स है अभी के समय पर चल रहा है। उसके अलावा कई सारे और भी बैचेस हैं, कई सारे और भी बैच कोर्स चल रहे हैं, जो अप्रैल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है, जिद करके एक सीरीज है, ऐसी कई सारी सीरीज चल रही है। और इन सीरीज को डायरेक्टली जाके आप पवन लाइव कोड यूज करें, और पवन लाइव कोड यूज करके अभी जाके अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।